many people having one question in their mind, that they are learning English in their school level, in their college level, but as a subject. So why they are not able to communicate in English today? अधिकतर लोगों के पास ये क्वेश्चन उनके माइंड में होता ही है जब भी बात लैंग्वेज को लर्न करने की आ जाती है. वो कहा करते हैं कि हम अपने स्कूल लेवल में इंग्लिश पढ़ते आए हैं, अपने कॉलेज लेवल पर इंग्लिश पढ़ते आए हैं, तो व्हाट इज द रीजन कि आज वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते? व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? हाय, greetings of the day, everyone. Today I'm going to tell you that secrets, those techniques, if you're going to learn it in a very good manner, you guys are going to come to know about it. कि English को learn करने का या किसी भी भाषा को learn करने का सही तरीका क्या है? देखिए, मेरा सबसे पहला question, जब आप एक छोटे से newborn baby हुआ करते थे, तो क्या आपके parents आपको क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सिखाया करते थे? क्या कहा? नहीं सिखाया करते थे. फिर आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते? English is also a language. By listening, by watching, by observing, a person can learn this particular language in a very nice manner. As a trainer of United States of America Embassy, today I'm going to give you that particular tips by that you can understand it in a more well manner. Guys, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको. सच्चा किस्सा है ये अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री के बीच में हुए एक संवाद का, जिससे आप समझेंगे कि भाषा को किस तरीके से लर्न नहीं करना चाहिए और कैसे लर्न करना चाहिए. एक बार की बात है कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे, अपनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के साथ और विस्तृत करने के लिए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक मीटिंग रखना चाहिए. प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि जो जापान के प्रधानमंत्री थे उनकी इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, उनको इंग्लिश में बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था. तो मेरे ही जैसे किसी ट्रेनर को उन्होंने हायर किया, और जब उन्होंने ट्रेनर हायर किया तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई हमें 2 से 4 कुछ सेंटेंसेस बता दो, जिससे जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कम्युनिकेट करें तो एब्सोल्युटली सही कन्वर्सेशन तो बैठ जाए, हाई हेलो तो अच्छे तरीके से हो पाए, बाकी तो ट्रांसलेटर्स अपने आप बात करेंगे. तो ट्रेनर ने क्या किया, उन्हें 2-4 लव्स इंग्लिश के सिखा दिए. उन्होंने बोला कि देखिए आप इनका रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो आप उनसे कहना हाई मिस्टर ओबामा, हाउ आर यू टुडे. आप उनसे पूछेगा हाउ आर यू, जब आप उनसे पूछेंगे हाउ आर यू तो वो रिप्लाई करेंगे आई एम फाइन, यू टेल एंड then you have to say me too. तो पहले आप बोलेंगे how are you, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति आपको reply करेंगे, फिर बदले में आपको कहना है me too, मतलब मैं भी fine हूँ. अब क्या होता है ना कि rectification हमेशा मुसीबत की जड़ बनता है language में. अब वो slang या learn करके वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जाते हैं और बराक ओबामा के सामने ही वो communicating in a very funny manner. The president of United States was there. Barack Obama का सबसे बड़ी quality ये है कि उनकी शालीनता, उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र है. जहाँ भी जाते थे अपनी वाइफ मिशेल को साथ में लेके जाते थे. तो बराक ओबामा जापान में आते हैं अपनी वाइफ मिशेल को लेकर, और वहाँ पे दुनिया भर की मीडिया इकट्ठी होती है, और दुनिया भर की मीडिया के सामने वो रेक्टिफिकेशन जब जापान के प्रधानमंत्री करते हुए आ रहे होते, तो वो गलती से हाउ आर यू की जगह बराक ओबामा को बोल देते हु आर यू. हाउ आर यू को वो गलती से हु आर यू बोल देते. बड़ा फनी सा इंसिडेंट होता है. उसके बाद जब वो हु आर यू बोलते हैं तो अमेरिका के प्रधानमंत्री, आई मीन टू से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, बड़े ही शालीन स्वभाव के थे, बहुत ही पोलाइट बिहेवियर के थे. तो उन्होंने इस बात को मजाक में ले लिया, हर बात को मजाक में ले लेते थे. तो उन्होंने फनी वे में बोल दिया, जब उन्होंने बोला हु आर यू, हाउ आर यू की जगह गलती से जब उन्होंने हु आर यू बोला, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि आई एम मिशेल्स हस्बैंड. जब अब उनको तो 2 सेंटेंस रेक्टिफिकेशन से पर्याप्त थे. नंबर 1, उन्होंने गलती से हाउ की जगह बोला हु आर यू, तो उन्होंने बोला आई एम मिशेल्स हस्बैंड. और उन्होंने
ने बोल दिया जवाब में मी टू, क्योंकि ये दो ही तो सेंटेंस मैंने रेक्टिफिकेशन किए थे. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द इन मोमेंट बिकम वेरी फन. ऐसा ही कुछ होता है जब हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश रेक्टिफिकेशन से करते हैं. So we need to learn a particular language in a very creative manner if you want to communicate in English in a very well manner, if you want to learn English in a natural manner. So remember one thing, learn like a newborn baby. How a newborn baby is watching, listening, observing and becoming excellent in communicating a particular language, that's what you need to do. English ko learn karne se pehle English ka ek introduction samajh lijiyega. English एक कंट्री से आई है जिसका नाम है इंग्लैंड. दो शब्दों से मिलकर बना है गाइस, इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश एंड लैंड. अगर धरती पर 78% जल और 22% भूमि है तो ना तो 22% लैंड छोड़ा था इंग्लैंड ने और ना ही वो 78% वाटर. पूरी धरती पर इंग्लैंड का किंगडम हुआ करता था. दैट इज द रीजन वी आर स्पीकिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. फिर भी पूरे वर्ल्ड में ऐसे 5 देश हैं जो इंग्लिश को ऐसा फर्स्ट लैंग्वेज या फिर मातृभाषा के रूप में बोलते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे हम अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं, इंग्लैंड जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं, न्यूजीलैंड जिसे हम न्यूजीलैंडर इंग्लिश कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जिसे हम ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कहते हैं, कैनेडा जिसे हम कैनेडियन इंग्लिश कहते हैं. इसके बारे में हम विस्तृत तरीके से जानेंगे. आई पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लैंकशायर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड. Basically, I'm teaching in the Embassy of United States as an English trainer. And part-time, I'm giving home tuitions too. And in future, I'm gonna make yourself more better in this particular communication with my new videos. And if you want me to help you with your personal classes, via personal classes, if you want to have personal English classes for yourself, or online classes whatsoever, you can contact me on the below contact number, what is written over here. And I really appreciate your precious time. Thank you, and I will be back with a new video in which I'm gonna teach you a new concept to learn English. Till then, all the best, guys.